और एक बड़ी खबर इसी मुद्दे से जुड़ी हुई, बीजेपी हेडक्वार्टर्स में बड़ी बैठक चल रही है। अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर सभी इस बैठक में मौजूद हैं। पीयूष गोयल भी इस बैठक में मौजूद हैं और बीजेपी के महासचिव के साथ वो बैठक कर रहे हैं। बड़ी बैठक बीजेपी हेडक्वार्टर्स में, मंथन जारी दल के अंदर भी और सरकार के अंदर भी। गृह मंत्री अमित शाह, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल सब इस बैठक में मौजूद। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरीज भी इस बैठक में मौजूद। आइए और विस्तार से जानते हैं, अविनाश तिवारी हमारे साथ हैं। अविनाश, और ब्यौरा दीजिए इस बैठक का। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जिस प्रकार से किसानों का ये आंदोलन चल रहा है, ऐसे में बीजेपी देश भर के उन किसानों का समर्थन हासिल करना चाहती है जो इसके पक्ष में कहीं ना कहीं खड़ा दिखाई देते हैं या जो अभी आंदोलन नहीं कर रहे हैं। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने अब कमर कस ली है और अभी खुद गृह मंत्री अमित शाह बैठक ले रहे हैं पार्टी के सभी महासचिवों की, क्योंकि अगर बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोरोना संक्रमित है, लिहाजा इसलिए बैठक में नहीं पहुंचे। खुद अमित शाह ने कमान संभाली है और वो ये बैठक ले रहे हैं, जिसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल है, जिनके साथ ब्रीफिंग से बातचीत की जाएगी सभी महासचिवों के साथ कि कैसे गाँव में जाना है, कैसे चौपाल आयोजित करना है और कैसे किसानों के बीच जाकर सरकार की बात को रखना है। इसके साथ साथ दिल्ली की सीमा पर तमाम सारे किसान आ रहे हैं, इनको कैसे रोका जाए यहाँ दिल्ली की सीमा पर आने के लिए, इसको लेकर भी मंत्रालय चल रही है, कैसे गांव गांव तक जाकर लोगों को जागरूक किया जाए और नए कृषि बिल के बारे में बताया जाए। इसके साथ साथ ये आंदोलन चल रहा है, इसको कैसे समाप्त कराया जाए, इस पर भी मंत्रालय चल रही है। अविनाश, ये बड़ी बैठक है, इसका मतलब क्या सरकार ने तैयारी कर ली है कि किसानों से या किसान जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे बातचीत से बेहतर है कि जो दूसरे किसान हैं जो या तो अब तक तटस्थ हैं या अब तक जिनका कोई रुख सामने नहीं आया है, उनसे बात करके उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाए और यही सही रणनीति है। देखिए राजेंद्र, अगर बात करें देश भर में 585 किसान संगठन है, जिनमें से अगर बात करें तो लगभग 40 से 45 किसान संगठन इस वक्त दिल्ली और सिंगू बॉर्डर, दिल्ली और इसकी सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं, बाकी और सारे किसान संगठन प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी चाह रही है कि उन तमाम सारे किसान संगठनों का समर्थन हासिल किया जाए, क्योंकि जो दिल्ली की सीमा पर प्रदर्शन कर रहे हैं वो अपनी बातों पर अड़े हुए हैं और सरकार ये समझ चुकी है कि इनसे अब बात नहीं बनने वाली है, लिहाजा अब जिनसे बात बन सकती है या जो सरकार को समर्थन दे रहे हैं या जिनके अंदर थोड़ी बहुत आशंकाएं हैं दिल को लेकर, जिनसे बातचीत आशंका का समाधान हो सकता है, उन किसानों से अब बीजेपी ने बात करना शुरू कर दिया। खुद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर पिछले कई दिनों से लगातार उन किसानों से मिल रहे हैं जो सरकार के पास आकर अपनी शंकाओं का समाधान चाहते हैं और जो सरकार को इस बिल के प्रति समर्थन दे रहे हैं, तो अब उन किसान संगठन से मिला जा रहा है, उन किसान नेताओं से मिला जा रहा है और किस तरीके से इस आंदोलन को भी समाप्त कराएगा इसके लिए भी सरकार पहल कर रही है और खुद सुप्रीम कोर्ट में अपनी केस चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट के जरिए भी कहीं ना कहीं यही कोशिश है कि ये जो तमाम सारे लोग सीमा पर बैठे हुए हैं इनसे बातचीत साथ कर इनको विश्वास वापस भेजा जाए। शुक्रिया आपका अविनाश। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।